ला जाओ, डिस्कशन किया जल्दी निकालो, जो तुम बोलो मेरे को, जो दिया डिस्कशन वो निकालो ना। एचसीवी दी थी क्या? आ जाओ, एचसीवी कुछ डिस्कस हुई है क्या? एक से मोशन ने ग्रेविटी पढ़ा दिया था, मोशन ने ग्रेविटी पढ़ा दिया ना। आ जाओ प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर एक, दो, दो, अरे आना बोलो, तीन, तीन, सोच लो, चार, 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 पांच, पांच, सोच लो, छः, अरे भाई साहब छः, सात, सात, आठ, अरे आठ, अरे नौ, अरे नौ, अरे दस, अरे दस, अरे पक्का दस में कोई बुराई? ग्यारह, ग्यारह बारह अप्रोक्सीमेट है, ग्यारह बारह ये एग्जैक्ट आंसर्स नहीं, हालांकि मैं समझा देता हूँ, बट ये अप्रोक्सीमेट आंसर्स है। ग्यारह बारह बोल रहा, बाईस कहाँ पहुंचे अभी? फिगर शोज एक्सटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल, फाइंड द टाइम टी सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड जीरो टू टी इज जीरो। और अगला वाला ग्राफ बारह वाला, पहले तो ग्यारह बताऊं बारह बताऊं? ग्यारहवें में भी आंसर अप्रोक्सीमेट है, क्या है? उसने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर दिया हुआ है, तो उसने बोला है बताओ उस वाला समय टी सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड जीरो टू टी इज जीरो। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट वापस वहीं आ जाए, मतलब क्या? अपन एक्स मान लो 20 मीटर से चालू हुए थे, 20 मीटर पे पहुंच जाए, तो आंसर 10 से ज्यादा क्या 11 12 के बीच में होगा? तो दिया हुआ, तो एप्रोक्सीमेट आंसर है। कैसा आंसर है? इन द सेम वे 12वें में उन्होंने पूछा हुआ है, फाइंड एप्रोक्सीमेटली द पोजीशन ऑफ बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजीशंस ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन। पहली बात, ये ग्राफ दिया हुआ है वाई और एक्स के बीच में, किसमें दिया हुआ है? ध्यान से देखें अच्छे से, वाई और एक्स के बीच में अगर ग्राफ दिया हुआ है तो देखिए ऐसे कुछ तो है। अरे हाँ ना बोल, हाँ बेटा 20 रुपए, और दूसरी का है बीमार है, हाँ भाई मतलब उसने क्या बोला ध्यान सुनना, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिस जगह पर सेम हो, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी होती टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, ये बाय और एक्सा कर्व है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल। एक बात समझ, जैसे मान लो पार्टिकल यहां पर है, समझो पार्टिकल यहां पर है, यहां पर तो सो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ। अरे यार कंफ्यूज मत हो, बायस कर्वे क्या ये? अगर ये बायस कर्वे तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हुई तो क्या यही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हुई? और किसी भी जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द, तो यहां पर टेंजेंट ऐसे, क्या ये एवरेज वेलोसिटी और इंसिडेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है? उसने बोला ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर ये दोनों सेम हो। अब सोच वो यहां कहीं आएगा, देख अरे यार देख ऐसे, क्या दिस इज एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन? और ध्यान से देखो तो क्या यही टेंजेंट भी बन रहा है? अरे नहीं आया, आया नहीं आया, पक्की बात? ऐसे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो अगेन वो अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहेगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। शाबाश, बारवा हो गया, तेरवा, तेरवा, फोर्टीन, 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 फिफ्टीन, काम कराए, सिक्सटीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, सेवनटीन, एटीन, काम कराए, कौन सा एटीन? ये क्यों पूछा तुमने? इसमें क्या है? खुद कर, नहीं बताऊंगा। 18, 19, 18 बताने लायक सवाल नहीं है भाई, 19, 19, 20, अच्छा डाउट पूछे शर्माओ मत, अगर कोई बिल्कुल लल्लू होगा तो मैं उसमें बोल दूंगा खुद ट्राई करो, क्या मेरी बात क्लियर है? है ना, इसलिए पूछने मत शर्माओ, पर जब मैं बोल दूं कि लल्लू है इसका मतलब तुमसे वो हो, कई बार क्या अपने वो क्लिक नहीं करता, तो वापस करो हो जाएगा, डोंट वरी। 19, 20, 21, सोच लो, 21 में कोई बुराई? 22, किसका? 22 का? अच्छा ठीक है, मैं अच्छा हाँ मैं बता देता हूँ, अ कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार एट 42 किलोमीटर आवर, ज़ूम कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग आफ्टर, ध्यान समझना अच्छे से, बहुत बेसिक से रिलेटिव से बताया था, वैसे ध्यान समझना। अरे चलो हम बेसिक करते हैं, एक 60 से चल रही है, पहले तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, 60 इंटू
इंटू हाँ तो 60/5/18 कितना हुआ? एक रफ्तार है 60, तो 60 × 5/18 और दूसरा क्या है 42 कितना? तो 42 × 5/18 बोल यस और नो? अरे हाँ ना तो बोल, कोई बुराई वाली बात? चलो भाई ये अपना तरीका है, इसे मारो तो कितने से मरा ये? हाँ ये तो तीन बार मर गया ना, हाँ 50/3 हो गई ये तो, और ये कितनी हुई? ये हो गई 35/3 करेक्ट। अरे यार हाँ ना बोल भाई, 7 × 6 = 42 और 7 × 3 अरे नहीं आया, कोई बुराई वाली बात? चलो भाई ये हो गया। अब अगर अपन ध्यान देंगे तो उसने बोला पहली बार टाइम कितना लगे उसको अपन बहुत सिंपल से कर ले, अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये 60 ये 42 रिलेटिव रफ्तार हुई 18 कितनी हुई इंटू 5/18 तो 5 m/s ओरली रिलेटिव से करा सकता हूँ। चल छोड़ो अभी रिलेटिव पढ़ाई नहीं, बेसिक से बता देता हूँ। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो फाइनल सिचुएशन ये होगी, मुझे लगा नहीं तो मैं आया, जब क्रॉस कर लेंगे तो यही तो सिचुएशन होगी। अरे भाई साहब नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब तू बहुत ध्यान दे तो एक बात समझ में आएगी कि वास्तविकता में ये यहां से लेकर मान लो यहां तक चला, बोलो क्लियर है? तो ये दूरी होगी 50/3 × t, मतलब t टाइम बाद सिचुएशन आई 50/3 × t, बोलो क्लियर? तो ये कितना हुआ? ये 5 कम और ये भी 5 कम, तो ये कितनी दूरी हुई? 35/3 × t, बोल यस और नो? अब नहीं आया, तो 35/3 × t +5 + 5 = 50/3 मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं यार, ध्यान देखना अच्छे से, हालांकि मैं ओरली भी इसे बता सकता था, समझना 50/3 t = 35/3 t +10 क्या मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ। 50 × 15 क्या क्या 5t = 10 क्या t के लिए 2 सेकंड t के लिए वो ओरली भी वहां से आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 m है, क्रॉस करने के लिए 10 m चाहिए। अरे भाई हाँ ना बोल। अब उसने बोला कितनी दूरी इन्वॉल्व है पूरे प्रोसेस में, कितनी दूरी? देख ये पूरी इन्वॉल्व है। अरे यार क्या इस जगह ओवरटेकिंग चालू हो गई थी? तब से क्या मान सकते हैं कि रोड यूटिलाइज होना चालू हो गई? और क्या वहां पे खत्म हुई है? तो आंसर है 50/3 × t + 5। अरे तुम्हें नहीं आया, 50/3 × t + 5 आंसर आ गया। तुम्हें दूर दूर तक बात समझ? अरे नहीं आई, आई कि नहीं आई? ये कार भी है जो भी नहीं होता ऐसे दे दिया अपन ने, मुझे लगा नहीं तो मैं आया, पक्की बात? हाँ कहाँ पहुंचे हैं? 20 यार फिर आसान है भाई। अपोलोजी भी चेंजिंग है कल्प्रिट गोइंग अ मोटर बाइक, द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 km/h, द जी फॉलोज एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकंड लेटर देन द बाइक, अज्यूम दैट दे ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट विद द जीप। अभी वैसे मैं रिलेटिव पढ़ाऊंगा तो बहुत आसान हो जाएंगे भाई, 72 और 90 की रिलेटिव कितनी हुई? 18 और 10 सेकंड बाद क्रॉस करा तो 72 × 5/18 कितना है? 20 m/s कितना? 20 तो 10 सेकंड में वो चल गया 200 m, कितना चल गया? जब पुलिस वाला क्रॉस करेगा पोल को तो क्या 200 मीटर दूरी पे होगा चोर? अब उसकी रफ्तार है 72, इसकी है 90, तो इस पर बैठ जाए तो इसकी रफ्तार हो गई 18, मतलब 5 m/s कितनी? तो 5 m/s से आप 200 मीटर कितनी दूरी में ट्रेवल करोगे? 200/5 एक मिनट, आया कि नहीं आया? पक्की बात? शाबाश। ये कौन सा था? 21 हो गया, 22 हो गया, 23 24 25, आवाज नहीं है, 25 26 27 28, आवाज नहीं, 28 सोच लो, 29 गुड़िया कहाँ गई? ये अच्छा 29 29, 30 अरे 30 सोच लो, अरे 31 अच्छा 31 डाउट है, पढ़ लेते हैं, आइए देखिए, और हमारे टी कलर मासी कलर
आइए। हाँ भाई 31 एन एलिवेटर, एलिवेटर समझते हो? एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग, मतलब नीचे आ रहा है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। द कॉइन इज 6 फीट। तुम्हें जी के लिए पता है फीट में? 32 ले लो, अप्रोक्सीमेटली चल जाएगा। कितनी होती है? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अरे यार तुम्हें कन्वर्जन नहीं आता। एक फीट में कितने मीटर? 1 मीटर में कितने फीट? 3.23 शायद। हाँ 3.2 ले लो तुम, तो 3.2 फीट इक्वल्स टू 1 मीटर। उसे कन्वर्ट करोगे तो लगभग 32 फीट स्क्वायर पर मीटर, मतलब फीट स्क्वायर पर फीट पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू आएगी। जैसे आप फॉर्मूला की किताब उठाओगे तो जनरली इसी में करो, पाउंड में खेलते हैं, है ना? क्या ठीक है, छोड़ो। एन एलिवेटर जिसे ने विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑन एन एलिवेटर द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर द टाइम इट इज ड्रॉप द पर्सन ऑब्जर्व्स द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 सेकंड कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा द एक्सेलरेशन 1 सेकंड बाद वो टकराया। आप सिंपल सी बात, सिंपल सी बात इधर देख, अगर आपने 6 फीट से छोड़ा, कितने से, और आप यहां बैठकर देख रहे हो, टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, टाइम अगर फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ध्यान देखो, अगर आपने यहां से इसको छोड़ा, यहां से आपने इसको छोड़ा, ये दूरी कितनी है? 6 फीट। कितनी है? 6 फीट। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? मतलब जी है कि जी प्लस ए या जी माइनस ए? चीटे के लिए एक्सेलरेशन कितना है? कैसे एक्सेलरेशन जी है, कैसा ए है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या? जी माइनस ए है। अरे कितना है? तो चीटे के लिए जी इफेक्टिव हो गया, जी माइनस ए क्या हो गया? अब कल ही पढ़ाया था क्या, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है अंडर रूट 2h/g, अंडर रूट 2h/g टाइम ऑफ फ्लाइट होगी अंडर रूट, यानी कि 1 सेकंड इक्वल्स अंडर रूट 2h, h की जगह 6 फीट और g की जगह g माइनस ए। पहले था यस और नो, g को रखो 32 ए आ जाएगा। अरे भाई मुझे लगा ही तुम्हें आया, आया नहीं आया, चला कदम कदम बस। ए किसमें दिया इन्होंने, फिट पर सेकंड स्क्वायर में, किसमें अर्धल इसमें दिया है तो देख लो, 31 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वो तो आएगा ही जाएगा कहाँ। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, ये 26 मत समझना, 2 × 6 12 है ये, तो देख 32, देख ये वन कब आएगा, जब ये 12 होगा, ये 12 कब होगा, जब 32 − 20 आंसर आ गया देख। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना तो बोल, नहीं आया, आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। 31 हो गया, 32 लाओ शीट निकालो फटाक से, जल्दी से लाओ 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 लाओ। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 प्रश्न नंबर 1 2 अरे काम करा है, अरे 3 दूसरा तो पूछा नहीं गया मेरे से, पूछ देख लेता हूँ दूसरे में कोई डाउट है क्या। मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2 लेवल 1 का सिंगल करेक्ट, सॉरी एक्सरसाइज 2 का लेवल 2 ये कहाँ मिलता है? हाँ एक्सरसाइज 2 का लेवल 2 प्रश्न नंबर 1 हाँ आंसर नहीं आ रहा यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा मेरे को पढ़ने दो तुम, अब बॉडी, अरे तुम्हारी तो अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद अ वेलोसिटी इतना, नेक्स्ट 1/3 विद इतना, एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी विद इतना। ये तो अपने क्लास में करा था, वैसे उन्होंने बोला नहीं तो इसका मतलब हो सकता है कि नहीं होगा, मैं चेक कर लेता हूं। अब घिसो, आइए घिसते हैं मिलके, ढिचिक ढिचिक। ये कितने से? 2 से। ये कितने से? 3 से। ये कितने से? 6 से। तो जो आपने एवरेज वेलोसिटी थी, ये टोटल डिस्टेंस d अपॉन टाइम, टाइम का मतलब d/3 2 + d/3 3 + d/3 6 एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ना।
सही तो है। अब बस एलसीएम ले लो, क्या करूं, 3 तो कॉमन आ गया तो 3 तो ऊपर चला गया, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 तो 6 एलसीएम आ गया, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 बोलो तो 18/6 तो 3 आया। हाँ इसमें कुछ गलती तो नहीं लग रही। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम ही तो होती है। अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ इट जर्नी विद द वेलोसिटी। एक मिनट, ये टाइम से तो नहीं ले रहा, ये टाइम से ले रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसने डिस्टेंस में, रुक जाओ आंसर लाएंगे, टाइम से करके देखो, जिससे आंसर आए वो मान लेना चाहिए। अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ इट जर्नी, तो जर्नी का मतलब तो टाइम हुआ ना। हाँ फर्स्ट 1/3, एक पहले आंसर ला दो, पहले आंसर ला दो फिर बताऊंगा। फर्स्ट 1/3 मतलब अगर टोटल टाइम टी है, देखो तो ये है 2t/3, ये है 3t/3 और ये है 6t/3। पहले था यस और नो, तो भाई साहब कितना हुआ, देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो भाई 2t/3, 3t/3, 6t/3, 11t/3 11/3, you got the answer। क्या है, सही है ना, लिख लो। टाइम लेंगे तो 11/3 आएगा, डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो 3 आएगा। बात समझ आई कि नहीं आई, थोड़ा अपन। अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ इट्स जर्नी, पार्ट तो टाइम का भी होता ना, में एक तिहाई टी बाई थ्री हुआ है तो हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे, बस ठीक है। सेकेंड का भी डी, एक बार ट्राई कर। थर्ड भाई साहब, थर्ड मुझे लग नहीं रहा तुमने काम कराया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 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 फिफ्थ बता रहा हूं ना। अब बीड, बीड समझते हो, इस फ्री टू साइड डाउन वो अरे वाई टाइटली स्ट्रेच बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल सर्कल, इफ द बीड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल, टाइम टू अराइव टू बी इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा और ए एंड बोन, देखो हाई है ये ऐसे लो और ये आपका ऐसे खुपच मान लो, और ये एंगल अपना थीटा है, तो ये कितना है भाई साहब थीटा, और ये रेडियस कितना है आर, तो ध्यान से देखिए आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और ये भी कितना, तो क्या कुल मिला के दूरी आर कॉस, 2r कॉस थीटा, यार हाँ ना बोल, और अगर जी इधर लग रहा है तो क्या इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा जी कॉस थीटा, तो बेसिकली मैं 2r कॉस थीटा दूरी ट्रेवल करूंगा जी कॉस थीटा एक्सेलरेशन से, तो मुझे टाइम क्या लगेगा देख लेते हैं कि 2r कॉस थीटा बराबर ut + half of at square, इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी कि half of g cos theta into t square, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, cos theta ने cos theta को मार दिया, 2 ने 2 को मार लिया, 2√r/g इज द करेक्ट आंसर, अरे हाँ ना बोल, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आंसर आ गया, आप क्या बताऊं, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, टाइम थीटा पे डिपेंड, आपके सामने देखो, कभी तो हाँ ना बोलो, मौसम साला बीवी घुमाऊ हो रहा है, नहीं बीवी घुमाऊ, बीवी घुमाऊ, हाँ तुम्हारा कोई भरोसा, चला मैनिपुलेट कर करके बोलो, पांचवा छठा, छठा अरे छठा, अरे सातवा, सातवा, आठवा, दिया ही नहीं और क्या दिया है, एक्सरसाइज 3 लेवल 1 प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 काम करा है, 5 से कोई तकलीफ, एक्सरसाइज 3 लेवल 1 5 से कोई तकलीफ, पक्की बात, 6 6
छे मैं हूं ना बलून इज एक्सीडिंग पर्टिकुलर विद एन एक्सीडेंट जीरो हाँ तो एक पहली बात बच्चा ऐसे तो नहीं समझते तुम लोग कि द बलून असेंडिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन 0.2 तो ऊपर जा रहा है 0.2 से नीचे 9.8 तो नीचे घुस गया 9.6 से तुम्हारा कोई भरोसा जब बलून बोला गया कि 0.2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है मतलब नेट है वो अरे कभी तो हाँ ना बोलो कई लोग सोच रहे और अपन तो ऐसे ही सोच रहे थे यार ऐसे ही सोच रहा था क्या ये देख अरे मैं जानता हूँ ऐसे धूप में थोड़ी बाल सफेद करे मैंने मतलब एक्सपीरियंस की बात हो रही है अ बलून इज असेंडिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू स्टोन्स आर ड्रॉप फ्रॉम इट इन एन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 1.2 सेकंड आफ्टर द सेकंड स्टोन इज रिलीज्ड मतलब तू बोले तो मैं घिस देता हूं वैसे तू खुद तूने यही सोचा होगा जो मैं कह रहा हूं हुआ कि नहीं हुआ वैसे तुम आज अभी रिलेटिव पढ़ा दूंगा 1D क्या पढ़ा दूंगा रिलेटिव तब और ट्राई करना इसको बोलो क्लियर है और आज छोटा हो जाएगा ये सवाल है ना रिलेटिव से करना फिर किससे करना अभी का तुमने नॉर्मल प्रोसीजर से करा है उसके बाद रिलेटिव से करना और आसान होगा 1D रिलेटिव खैर सातवा हाँ ठीक है तो रहने दो अभी ये अच्छा ए भी तो दिए होंगे और क्या बच गया बस एक्सरसाइज 3 का लेवल 2 एंड में जब सब खत्म हो जाएगा रिवीजन का टाइम होगा तब